चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। आखिरकार जिस फिल्म का इंतजार भोजपुरी दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे थे, फाइनली उस फिल्म का रिलीज डेट सामने आ चुका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश यादव निरहुआ अभिनीत भोजपुरी मूवी शेरे हिंदुस्तान के बारे में। आपको बता दें कि शेरे हिंदुस्तान का टीजर 26 जनवरी को लॉन्च किया गया, जिसे भोजपुरी दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया। लेकिन फाइनली अब फिल्म का ऑफिशियली रिलीज डेट सामने आ चुका है। जी हाँ, जिस तरीके से फिल्म का टीजर भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आया था, अब उसके डिमांड के बाद फिल्म का रिलीज डेट सामने आया है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। वैसे आपको बता दें कि शेरे हिंदुस्तान का ऑफिशियली रिलीज डेट होली पर है, यानी कि होली के मौके पर दिनेश यादव निरहुआ का जलवा पूरे भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर छाने वाला है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो होली के मौके पर पूरे भारत में इस फिल्म को एक साथ रिलीज किया जाएगा। जहां तक खबर ये भी आ रही है कि नेपाल के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को होली के मौके पर ही रिलीज किया जाएगा। हालांकि नेपाल के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन होली के मौके पर शेरे हिंदुस्तान रिलीज होने वाली है, यह ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। वैसे आपको बता दें कि फिल्म का टीजर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था, जिसे भोजपुरी दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक शेरे हिंदुस्तान का टीजर नहीं देखा है, तो आप वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर जाकर शेरे हिंदुस्तान का टीजर जरूर देखें, क्योंकि टीजर में जहां निरहुआ देशभक्ति अवतार में नजर आ रहे हैं। और जिन लोगों ने टीजर देखा है, वो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको शेरे हिंदुस्तान के टीजर में निरहुआ का देशभक्ति किरदार कैसा लगता है।